एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं आज की जो रीडिंग होगी, ये फुल मून की एनर्जी हम चेक करेंगे आपके पर्सन पर और आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस फुल मून का। पूर्णिमा की एनर्जी है गाइस, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए। पूर्णिमा के दिन स्पेल अगर आप करते हैं तो बहुत पावरफुली वो वर्क करता है, तो मैंने बहुत सारे स्पेल्स डाले हुए हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा स्पेल आप आज के दिन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्पेल, मैंने लास्ट में ये भी बताया है कि उसका क्या करना है, कई लोग कमेंट में पूछते हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। शुरू करते हैं मूनोलॉजी से। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी, फुल मून की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की कैसी रहेगी एंजल्स। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। सबसे पहले ये फुल मून है किस राशि में, देखिए इस फुल मून का इफेक्ट जो एनर्जी है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कर्क राशि, और अगर वेस्टर्न कैलेंडर से देखें तो लियो राशि, ठीक है। और मून की जो वाइब्रेशन है, लियो हो या कर्क हो, दोनों में ही पावरफुली इफ़ेक्ट करेगी आपके इमोशंस और एक्शन पर। तो इमोशंस में बहकर कोई एक्शन नहीं लेना है, और एक्शन में गुस्सा अग्रेशन से बचना है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपका ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिवली आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा। सो लियो एनर्जी क्या है, लियो की एनर्जी आपको बताती है कि जो ठान लो वो अचीव करो, ठीक है, जो डिसाइड कर लो उस पर टिके रहो, और एक्शन ओरिएंटेड क्योंकि सूर्य की राशि है, और मून की राशि है कर्क, इमोशंस से भरी हुई राशि है, नर्चरिंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है और कर्क उसकी राशि है, तो मदरली लव, मदरली केयर, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स, तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी आज के दिन में। तो आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है आपके ऊपर, लियो की एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है या कर्क की एनर्जी ज़्यादा वर्क कर रही है। अगर हम बात करें मूनोलॉजी से तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे पहला इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो ये कि आप की जो सिचुएशन एक जगह पे रुकी हुई है ना, आप उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप अपने मन में ये बातें ठान लेंगे कि अब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, और मैं एक्शन लूँगा, जो भी है क्लियर करूँगा, इस सिचुएशन से कुछ निकलने वाला है, या मैं बेफिजूल का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड है, मतलब आप सामने से क्या आएगा उसका वेट करने की बजाय आप सामने कॉल मिलाकर पूछ सकते हैं कि कुछ एक्शन लेना है, इस रिश्ते में क्या विचार हैं बता दो, ताकि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये हिम्मत आपके अंदर आएगी कि क्योंकि लियो की एनर्जी है, लियो सिंह है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगी कि आप सामने से पूछ सकें, क्वेश्चन कर सकें, और उसके जवाब को सुनने की हिम्मत रख सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, हम उसे सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उसका आंसर सुन पाएँ, इस डर से कोई सामने बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यहाँ पर आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। जिस सिचुएशन से आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, एटलीस्ट उनके पर्सन वापस आ जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फिर भले ब्रेकअप हो जा रहा है,
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बट अगर आपकी लाइफ में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, आपका पर्सन आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में जो ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लव लाइफ एक क्लाइमेक्स तक पहुंच रही है। आपकी जो स्टोरी है वो एक क्लाइमेक्स तक पहुंच रही है। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, रास्ते में जो कांटे हैं वो हट रहे हैं, और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी जो लव लाइफ है वो फास्ट पेस में आगे बढ़ रही है, चीज़ें अब आपके फेवर में हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। तो किसी सिचुएशन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं किसी एनर्जी में, या आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हैं, तो ऐसी अगर कोई एनर्जी है तो सॉल्व आउट कीजिए प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट, आपके पर्सन की एनर्जी पर कैसा इफ़ेक्ट होगा फुल मून का। और कोई कार्ड है, कौन आना चाहता है। बॉटम से है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, देखिए आपके पर्सन की तरफ जो एनर्जी है वो ये है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ये देना तो चाहते हैं बट देते नहीं हैं। तो आपके बहुत सारे सवाल के जवाब इनके पास तैयार हैं, एटलीस्ट इनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि इन्हें आपको क्या बोलना है। ये टाल मटोल वाली एनर्जी में नहीं है, ये पोस्टपोन करने वाली एनर्जी में नहीं है। आप जो पूछेंगे उसका क्लियर कट जवाब इनके पास तैयार मिलेगा आपको, जिससे कि इन्हें भी क्लैरिटी मिले और आपको भी क्लैरिटी मिले। देन इनकी एनर्जी है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये दूर की सोच के डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, दूर की सोचने की हिम्मत आने वाली है इनके अंदर। क्या ऐसा मैं करूं जिससे कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, दूर की सोच के ये डिसीजन ले सकते हैं। देन इनकी खुद की क्या ताकत है, इनकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जिनके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे, फैमिली से बात ही नहीं कर रहे थे, या डर रहे थे, फियर की एनर्जी में थे, बोलने की हिम्मत ही नहीं थी माँ बाप के आगे किसी भी सिचुएशन में, या कोई थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी है आप दोनों के बीच में तो फेस करने की हिम्मत नहीं थी सिचुएशन को, तो इनके अंदर ये ताकत आएगी कि ये फेस कर सके। साथ ही साथ इनको रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर ये स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, अगर ये मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, तो अगर ये थोड़ा बहुत भी ट्राई करें तो इनके जो भी नेगेटिव इनके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अप्रोच अगर आपके पर्सन का है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये गाइडेड मैसेज है, अगर आपके थ्रू उन तक जाना है तो आपके थ्रू चला जाएगा, अगर वो खुद डिवाइन के मैसेजेस को पिक कर पाएंगे तो वो थोड़ा टाइम, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल वीडियो ही देख लें, हो सकता है कि वो कोई गाने के तौर पे किसी आरती या भजन को सुन लें, उतने से ही उनको बैलेंस फील हो जाएगा। देन इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके पर्सन की एनर्जी में है, अगर इनकी लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं, कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, तो ये राइट टाइम है उनके बाहर जाने के लिए। यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस, उनकी खुद की कोई नेगेटिव बिहेवियर अगर है, कुछ उनके अंदर नेगेटिविटी है, तो वो रिलीज़ होगी, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। सो आपके पर्सन के लिए भी ये फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या निकल कर आता है। फाइव कार्ड्स, एंजल्स, फुल मून की एनर्जी, कर्क राशि की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। वी हैव कैंसर एंड टॉरस, देन वी हैव द डेविल विद द मजिशियन। कुछ कहना है तुमको बरगंडी,
टावर एंड डेथ. मैंने क्या कहा, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. और यहां पर ये नेगेटिविटी है, आपने देखा नेगेटिविटी रिलीज. ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी में उनकी जो भी बैड हैबिट्स हैं या उनके लाइफ में कोई डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं वो रिलीज हो सकती हैं इस टाइम ड्यूरेशंस में. साइन की बात करूं तो वी हैव कैप्रिकॉर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. वी हैव टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड लियो. ये जो साइन है इस पर इस फुल मून का ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, और लोगों पे भी होगा लेकिन इन राशियों पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, ऐसी वाइब्रेशन है. तो इन राशि के अगर आपके पर्सन हैं तो अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो बैलेंस में रहें, नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भगवान उनको बैलेंस करेंगे. बट इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे कंपेयर टू अदर ज़ोडियक साइंस. ठीक है, लेट्स क्लेरिफाई सम कार्ड्स. मैं सारे कार्ड्स क्लेरिफाई नहीं करूँगी, कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी. प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है कलेक्टिव. मैंने कहा ना इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. डेथ को द फूल ने क्लेरिफाई किया विद जस्टिस. कार्मिक रिलीज की एनर्जी है, पहले ही बोल दिया था मैंने, मुझे ये कन्फर्म करना था और एंजल्स ने डबल कन्फर्म कर दिया. सो ये कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगे, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज होंगे. बरगंडी का मैसेज क्या है, एंडिंग्स. डेविल को डेविल ने ही क्लेरिफाई किया है विद थर्ड पार्टी एनर्जी. अब आप लोग कंफर्म हो गए होंगे क्योंकि मैंने जो बोला वो कार्ड्स में भी आपने देख लिया, सेम एनर्जी है. मैंने कहा इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. आपके पर्सन को कार्मिक ट्रिगर्स ज़रूर मिलेंगे इस फुल मून के दौरान या इस फुल मून के आसपास या ऑलरेडी मिल रहे हैं. थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलेगा इनको, थर्ड पार्टी रिलीज होगी ताकि आप यूनियन में आ सकें. ये वाइब्रेशन है डियर. तो दो कार्ड मुझे क्लैरिफाई करने थे. शादी का डिसीजन है यहाँ पर, शादी के डिसीजन के बीच में जो लोग आ रहे हैं वो रिलीज होंगे. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होप. शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होपफुल हैं कि ये राइट डिसीजन लेंगे. सो ये भी मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया. मजिशियन को कैसे कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, डेविल और डेथ को कैसे कार्ड ने क्लैरिफाई किया है आपने देखा. तो बी अवेयर, एनर्जी कैसी है आप समझ गए होंगे. सो अगर आप कांटेक्ट में हैं थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कुछ ऐसी बातें ना हो जिससे कि अच्छा खासा आपके फेवर में आने वाला डिसीजन आपके अगेंस्ट हो जाए. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि फुल मून पर आपके भी तो इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, सिर्फ आपके पर्सन के थोड़ी होते हैं. क्योंकि आप सिर्फ अपने पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो आपको भी मैंने मूनोलॉजी में गाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा. इमीडिएट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है. इमीडिएट एक्शन, पहला ही कार्ड आ गया है मदर गाया का. यहाँ पर मदर गाया की वाइब्रेशन है गाइस. सेकंड कार्ड है एम्परर. अरे अरे अरे, तुम लोग नीचे क्यों जा रहे हो, सारे कार्ड गिर जाएंगे अभी तो एक ही बार में. फोर फोर, एंजल्स भी मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं, जानते हैं कि एक्साइटेड हो जाती है. वन मांगेगी लेकिन देंगे नहीं, नहीं दिए, देख रहे हैं बस ललचाते हैं. दे दिया वन. अब देखिए इन्होंने क्या दिया, 7 8 6 7 8 6 भी दे दिया. एस्ट्रो विद एम सिंह फॉलो किया है आपने तो कल मैं 7 8 6 और 1 4 4 के लिए बोल रही थी,
एंजल्स दे दो दे दो दे दो, सिक्स नहीं दे रहे थे। आज देखो एक बार में 786 भी दे दिया, दिख रहा है आपको कार्ड, 786 भी दे दिया, और 4-4 के बाद 1 दिया है। पहले 1 नहीं दिया, पहले 4-4 दिया कि ये 1 मांगेगी 4 बार 5 बार तब दूंगा या दूंगी, जो भी मदद कर रहा है। सो ये वाइब्रेशन है गाइस, 144 एंजल नंबर, 144 एंजल नंबर, 786 और एंजल नंबर 369, तीन मेजर एंजल नंबर यहाँ पर आए हैं, 369, 786, 144। बहुत बड़ी एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। ये फुल मून बहुत सारे लोगों की विशेस को पूरा करेगा। आपके पर्सन चाहे कितने भी टाइम से ट्रैप्ड सिचुएशन में रहे हैं, काफ़ी लोगों के पर्सन निकल जाएंगे। थोड़ा भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, थोड़ा भी अपने ब्लॉकेजेस को आपने हील किया है, तो आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। अब आप कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे, मेडिटेट ही नहीं कर रहे, भगवान से अलाइनमेंट में आ ही नहीं रहे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ ही नहीं रहे, तो फिर ये चीज़ें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों पे ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सो मदर गाया का मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होकर अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे, आपके लिए पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। जो प्लान किया है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस मैनिफेस्टेशन को मदर गाया पूरा करेंगी, ये एनर्जी है। मदर गाया का मैसेज है कुछ, कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी गाइस, जजमेंट विद ब्रेकअप एनर्जी, ये रिलीज की एनर्जी है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आज पूरा फॉलो हो जाएगा। ये खुद को हील करके रिकवर करके एक राइट डिसीजन लेने की वाइब्रेशन में है। कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे, मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। सो ये वाइब्स हैं गाइस, और ये जो एनर्जी है ये 4 डेज की है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो 4 आवर्स या 40 आवर्स की नहीं है, ये 4 दिन तक ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज है, यू आर वर्दी। अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझो कि आप अनवर्दी हो, अनलव्ड हो या अनडिजर्विंग हो। राइज अबव, फुल मून इसलिए भी आया है कि आप अपनी एनर्जीज को असेंड करें। फुल मून में अगर आप जो भी मेडिटेशन करते हो, जो भी साधना करते हो, जो भी आप अफर्मेशंस करते हो, स्पेल करते हो, वो चीज़ें बहुत पावरफुली वर्क करती हैं। तो डिवाइन के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, रिलेशनशिप में शिफ्ट आएगा आपकी, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका बहुत पुराना रिश्ता हो, आपका जो लव लाइफ है उसमें आपको शिफ्ट नज़र आएंगे। फैमिली मैटर्स को थोड़ा समय दीजिए, फैमिली को भी आपकी उतनी ही नीड है जितनी कि आपके पार्टनर को है, तो फैमिली को भी टाइम दें। हो सके तो मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मून मीन्स मदर। अगर आप अपने चंद्रमा को बूस्ट करना चाहते हैं तो माता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ड्रीम कम ट्रू, बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं गाइस, क्लेम करें इस एनर्जी को। आज की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। एंजल नंबर 369 आपकी विशेस को पूरा करता है, एंजल नंबर 144 आपको राइट डायरेक्शन पे लेकर जाता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं। एंजल नंबर 786 भोलेनाथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल होंगे। सो हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।